हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल द कर्ली राइडर। और इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे आप घर बैठे रिप्लेस करें अपनी गियर साइकिल की कैसेट। तो दोस्तों, आपके पास किसी भी गियर की साइकिल, चाहे वो 7 स्पीड, 8 स्पीड, 9 स्पीड, जो प्रोसेस में दिखाने जा रहा हूँ वो सेम रहेगा कैसेट रिप्लेसमेंट के लिए। तो इस वीडियो में अपनी जो वॉर्न आउट कैसेट है सेंट्रेस कंपनी की, उसको रिप्लेस करूँगा 8 स्पीड शिमानो कैसेट से। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, एक बार हम देख लेते हैं टूल्स हमें क्या क्या चाहिए होंगे इस वीडियो के दौरान। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा कैसेट रिमूवर टूल, एंड देन हमें एक चाहिए होगा एडजस्टेबल रेंच। लेकिन आपके पास अगर नॉर्मल रेंच है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं आपको, लेकिन उसे की का देखना पड़ेगा, नंबर्स वगैरह। एंड देन आखिरी में हमें एक चेन ग्रिप टूल चाहिए होता है कैसेट को पकड़ने के लिए, बट वो नहीं है तो मैं एक अपनी ओल्ड चेन यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं जो सभी टूल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ उनकी जो लिंक्स वगैरह हैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपको भी बाय करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोसेस। ऑलराइट, सो फाइनली द रियर व्हील इज़ ऑफ। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमें कैसेट रिमूवर टूल को लॉक रिंग पे लगा के। तो ये कैसेट रिमूवर टूल आपका बड़ा इजीली लॉक रिंग के अंदर चला जाना चाहिए। और ये कैसेट रिमूवर टूल को लगाने के बाद कैसेट को हमें इसको एक तरह से पकड़ के रखना है क्योंकि ये पीछे घूमता है। सो इसीलिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे अपनी जो पुरानी चेन इसको पकड़ने के लिए। लेकिन अगर आपके पास कोई चेन ग्रिप टूल है तो आप वो यूज़ करिए, उससे ये काम थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, डेट्स ऑल। तो मैं यहाँ पे अपनी जो चेन है उसको सबसे जो लार्जेस्ट गियर है उस पर लपेट दूंगा एक बारी। एंड देन जो ये दूसरा सिरा है हमारी चेन का, इसको मैं एक वुडन के पीस की हेल्प से नीचे होल्ड करके रखूँगा। तो ये वुडन पीस है मेरा और इसको मैं चेन को इसके इर्द-गिर्द भी एक बारी लपेट दूंगा, तो इसके कारण ये इस चेन को रोक के रखेगी ताकि वो कैसे पीछे घूम ना पाए। जब भी हमने इसको खोलना है तो मैं एक पैर अपने वुडन पीस पे रख दूंगा, विच विल यू नो स्टॉप द चेन। एंड जब इसको पीछे घुमाएंगे तो ये चेन पीछे घूम नहीं पाएगी। अब तो आफ्टर सेटिंग एवरीथिंग, आप लीजिए अपना रेंच या फिर ये एडजस्टेबल रेंच, इसको फिट इन कीजिए अपनी लॉक रिंग पे एंड गिव इट अ पुश। तो थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो ये लॉक रिंग ईजिली आ जानी चाहिए। और या बाद में आप हाथ से भी इसको अनस्क्रू कर सकते हैं। सो ये यहाँ पे जो लॉक रिंग है वो पूरी की पूरी खुल गई। एंड अब हम ये चेन को कर लेते हैं रिमूव अपनी कैसेट से। एंड फाइनली हम जो अपनी कैसेट है उसको पकड़ेंगे एंड पुल इट। तो अब इंस्टॉल करते हैं अपनी न्यू कैसेट। या सो ये है हमारा शिमानो का 8 स्पीड ऑल्टर्स पियर्स कैसेट। ये हम इंस्टॉल करेंगे अपनी बाइक पे और अब इसको देख लेते हैं एक बार अनबॉक्सिंग। तो ये है हमारा कैसेट का मेन यूनिट और इसमें होगा हमारी जो एक लास्ट गियर, दिस इज द 11th गियर, और ये है इसकी लॉक रिंग कैसेट की, राइट। गाइस ये है हमारा मेन यूनिट 8 स्पीड कैसेट का। और गाइस एक चीज ध्यान में रखिए, जैसे कि ये मेन यूनिट है एंड ये कैसेट सिर्फ 8 स्पीड की है, तो हमें जो मेजर गियर्स हैं वो पहले रिपीटेड मिले हैं और सिर्फ ये एक गियर है ये स्टैंड अलोन मिला है। तो जैसे कि जैसे आप आगे जाते हैं लाइक मोर स्पीड गियर, जैसे 9th 10th 11th, उसमें क्या होता है ये मेन यूनिट छोटा होता रहता है, ठीक है। और जो हाई स्पीड गियर्स होते हैं प्रॉब्ली ये लास्ट के 3-4 या आपको अलग यूनिट ही मिलते हैं, और उसके बीच में जो स्पेसर्स हैं और गियर्स के बीच में स्पेसर्स दिख रहे हैं ये भी आपको अलग से मिलते हैं, जो कि इस यूनिट में हमें बीच में रिपीटेड मिले हैं। और जो आखिरी गियर है इसका जो स्पेसर है ये भी इसके बीच में लगा हुआ है। चलिए गाइस अब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं हमारे रियर व्हील पे।
मैंने गाइस फाइनली रियर व्हील को पूरा क्लीन अप कर लिया है। ठीक है, ये सिलेंडर जिस पर हम कैसेट लगाएंगे ये एकदम पूरी क्लीन हो चुकी है, तो हम इस पर कैसेट लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे ये जो सिलेंडर है इस पर ये पैटर्न बने हुए हैं, राइट। तो यही पैटर्न की वजह से यही पैटर्न के कारण कैसेट इसके ऊपर फॉर्म रहती है। और यहाँ पे ये सारे पैटर्न सेम है, लेकिन अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो एक पैटर्न है ये वाला, आप देखेंगे ये बाकियों से पतला है। अगर आप ये मैच करेंगे इन दोनों को तो ये वाला जो पैटर्न है ये बाकियों से पतला है। तो इसी पैटर्न के कारण जो कैसेट है हमारी वो सिर्फ एक ही कॉन्फिग, एक ही तरह से इसके ऊपर चढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो चलिए हम इसके ऊपर अपनी जो नई कैसेट है वो चढ़ाते हैं इसको मैच करके विद कैसेट। तो ये हमारी कैसेट है, ठीक है, और हम इसका भी जो ये वाला पतला पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, तो इसको हम ये वाले अपने रिग से मैच करेंगे। थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है इसको अंदर डालने में, क्योंकि कई बार क्या होता है जब कैसेट रन होती है तो ये जो रिजीज होते हैं इस पे हल्के से मार्क्स पड़ जाते हैं ड्यू टू द फोर्स जब आप पैडलिंग करते हो, तो इसकी वजह से हल्की सी परेशानी हो सकती है इसको कैसेट को अंदर डालने में। और अब हम एंड में अपना 11th गियर डालते हैं, इसको भी घुमा के देखें कहाँ पे फिट आता है। इलेवन टीथ भी लग गया, और लास्ट में हम इंस्टॉल करेंगे अपनी जो लॉक रिंग है। लॉकरिंग इंस्टॉल हो गई है, अब इसको जो कैसेट रिमूवल टूल्स है उससे फिट कर लेते हैं। हमें जब इसको टाइट करेंगे तब हमें इसको चेन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरफ को ये ऑलरेडी लॉक रहता है कैसेट। जब भी हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसको 40 न्यूटन मीटर यहाँ पे लिखा हुआ है। सो बेसिकली मेरे पास टॉर्क रेंच तो है नहीं है, तो मैं जितना टाइट हो सकता है उतना टाइट कर लूँगा अपना। ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं अपना एडजस्टेबल रेंच और इसको स्टार्ट। इसको अच्छे से टाइट कर लें। तो गाइस अब ये बिल्कुल टाइट हो चुका है एंड इट्स ऑल परफेक्टली गुड। इसको अब क्विक रिलीज डाल के इसको इंस्टॉल कर लेते हैं हम अपनी बाइक पे। ऑलराइट, ये हमारा कैसेट का इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है। चलिए अब यहाँ पर रियर व्हील लगाते हैं हम अपनी बाइक पे। ये था पूरा का पूरा प्रोसेस कैसेट रिप्लेसमेंट का। आई होप आपको कोई दिक्कत ना हो इसके बाद, लेकिन अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हैं आप अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में डालिए नीचे। एंड एट द एंड प्लीज़ डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब। आई विल बी बैक विद मोर गुड वीडियोज। ओके, बाय।